लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से मुक्त हो जाएगी। एक तरफ देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से मुक्ति मिलने वाली है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस आज तक एक परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई और उस परिवार ने कभी पार्टी को परिवार से बाहर जाने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से मुक्त हो जाएगी। एक तरफ देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से मुक्ति मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस आज दिन तक एक परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई और उस परिवार ने कभी पार्टी को परिवार से बाहर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने अपने परिवार के नेताओं को शीर्ष पर बैठाने के कई जतन कर लिए हैं, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जहां देश कांग्रेस मुक्त होगा, वहीं कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त हो जाएगी। एक पार्टी जो अपने आप को बड़ा लंबे इतिहास की बात कहते हैं, अपने परिवार से पार्टी को बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन अब की बात के जो हालात बने हैं, जो हालात परिस्थिति हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब की बार कुछ और होने वाला है। एक को लगता है कि पूरे देश भर में जो वातावरण, जो माहौल है, उस माहौल को अगर देखें तो भारतवर्ष मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त होने वाला है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि गांधी परिवार से मुक्त होने वाला है। मेरे पांव में चोट लग गई, चलने में दिक्कत हो गई, पांव बांध करके मैं चलता रहा। यहाँ मंडी की कोठली में एक जनसभा के लिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं बैठ करके भाषण देने लगा, बैठ करके अपनी बात कही। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में उस पर भी टिप्पणी की। अब तो जयराम का पांव बैठ गया, टांग पर खड़ा नहीं हो सकता। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को हम बैठे बैठे ही मिलता। अरे भाजपा की इस विजय संकल्प रैली को पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने भी संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा सरकारों की उपलब्धियों का बखान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, मंडी।